नारायण जी, ना फाउंटेन है ना शिवलिंग है, जो न्यायालय तय करेगा वो मानेंगे। अच्छा आप एक ये बताइए, जो ये प्रमाणित कर रहे हैं कि प्रकट हो गए, ये कैसे साबित कर रहे हैं कि वो शिवलिंग ही प्रकट हो गए? किसी भी सुनिए, किसी भी पत्थर के खंभे को आप शिवलिंग कह दीजिएगा, इसकी क्या प्रमाणिकता है? कोई प्रमाणिकता है? क्या प्रमाणिकता? देखिए अभी मैंने कहा शास्त्र में कहीं वो उद्धृत है, उस पॉइंट पे था क्या वो धर्म? तो वो नंदी जी किसे देख रहे हैं? नंदी जी कब वहाँ पर आए? सुन लीजिए अब मेरी बात। अच्छा, नंदी जी बाद में आए। वो विश्वनाथ मंदिर अकबर ने बनवाया, ज्ञानवापी विश्वनाथ मंदिर अकबर काल में बना, राजा टोडरमल ने बनवाया। उसका भी जो तमलिक नामा है, जो उसका उसका पट्टा लिखा हुआ है, दारा सिकोह ने लिखा, वो हम लोगों के पूर्वजों के नाम लिखा, उस मंदिर का भी। मैंने ये नहीं कहा कि वो मंदिर तोड़ के मस्जिद बना। आप ये कह रहे हैं कि वो पत्थर का टुकड़ा है। पहले मेरी बात सुन लीजिए, मैंने ये नहीं कहा कि वो मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनाया गया है, समझ रही हैं? लेकिन शिवलिंग की जहां तक बात है, शिवलिंग की प्रमाणिकता की बात है, वो एक व्यक्ति कैसे कह देगा जब तक कि उसकी प्रमाणिकता सिद्ध नहीं हो कि वो एक व्यक्ति? जब तक प्रमाणिकता सिद्ध नहीं होगी आप कैसे कह देंगे? देखिए प्रमाणिक चीजें जो है ये प्रमाण के साथ तभी बताई जा सकती हैं, जो चीजें कोर्ट के अंदर विचाराधीन हो उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन अपनी आस्था जो हमारी है, जो हिंदुओं की आस्था है, और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, यहाँ पर हिंदुओं की आस्था और मुसलमानों की आस्था न कह करके हम मंदिर की आस्था और मस्जिद की आस्था कहें तो वो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मंदिर की आस्था यही कहती है कि वहां पर कुआं है, वहां पर शिवलिंग मिला है, क्योंकि नंदी उधर ही देख रहे हैं। तो फिर मस्जिद की आस्था ये कहती है कि वहां पर हौज है, वहां वजू खाना था, वहां पर वजू हुआ करती थी। 10 सेकंड के लिए देखिए कोर्ट अपना निर्णय देगा, निर्णय की हम प्रतीक्षा करेंगे, लेकिन वहां बाबा है इसका प्रमाण तो शास्त्र है और पुराण है। बाबा है वहां के नहीं है कि नहीं? पार्वती पते हारा हारा मा बाबा। रूबिका जी 100% हैं, अगर जो पढ़े लिखे लोग हैं जिनको शास्त्र का ज्ञान है। तो महन जी को शास्त्र का ज्ञान है, जो टीका आपने लगाया है वो टीका इन्होंने भी लगाया है। बिल्कुल हैं, बाबा हैं। अब मैं आज तीसरी बार आपके यहाँ चैनल पे, यह मेरा तीसरा जो है डिबेट है, मैं तीसरी बार कह रहा हूँ। आपने अपने आप को बेच लिया, वो बाद में बेचिएगा ना, पहले सच बताइए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, अब इसका अर्थ है कि सर्वे जो हुआ है यह सुख के लिए हुआ है। प्रभु ने तो मदद किया। सुनिए, लेकिन निजी सुख के लिए हुआ इनके, इनके निजी सुख कैसे हुआ अगर बाबा मिल? सुनिए रूबिका जी, यहाँ मंदिर, आप किसी मंदिर के, आप बता रहे थे महंत हैं। देखिए कितना अच्छा प्रोनाउंसिएशन किया कि सर्वे भवंतु सुखिना, मतलब ये इंग्लिश का सर्वे, वहाँ ये कितने अंग्रेजों के प्रेमी रहे हैं और कितने आप लोग कितने बड़े हिंदू के प्रेमी हैं। पर ये ज्ञान प्रश्न चिन्ह की बात करते हैं। अच्छा देखिए, अभी यहाँ पर अपने आप को सनातनी कहने वाले कुछ लोगों ने बड़े तबीयत से अपनी बात को रखने का प्रयास किया कि मैं सनातनी हूँ। वो सनातनी कहाँ चले गए थे जब काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर काशी खंडोक्त देवी देवताओं को तोड़ के रौंद के फेंक दिया गया? कहाँ थे लोग? वो पांच विनायक सुनिए, आपकी ट्रस्टी बनाई बात मत करिए, रुकिए, किसी को तोड़ा नहीं गया बीच में। हमको पूरी बात देखिए, ये पूरे बिल्कुल तोड़ा नहीं गया है, शास्त्र के अनुसार पुनः प्रतिष्ठा की गई, उनको वहाँ ले गया गया मंत्र के अनुसार। नहीं ले गया गया, अब अभी मैं पूछ रहा, अब बता रहा हूँ, पहले मेरी बात पूरी खत्म हो जाए तब आप बोलिएगा। नहीं नहीं, जो बिल्कुल विरुद्ध हो, जो विरुद्ध हर अपनी बात कीजिए, अपनी बात। अरे अरे मैं प्रमाण दिखाऊंगा, ऐसा है कि जो पांच विनायक तोड़े गए थे, प्रमोद विनायक, मोद विनायक, दुर्मुख विनायक, सुमुख विनायक, जौ विनायक, सिद्ध विनायक, वो पांचों विनायक आज पूछिए इनसे कहाँ हैं? ABP News आपको रखे आगे।